भुजंगासन। नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं भुजंगासन पर। भुजंगासन एक बहुत ही सरल आसन है और ये गर्ल्स के लिए, मतलब लड़कियों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। आजकल की लाइफस्टाइल हमारी इस तरह की हो गई है कि हम इतने बिजी हो गए हैं कि लड़कियाँ ऑफिस में जब बैठते हैं हम लोग तो हमारी कमर, हमारे जो पोस्चर है वो काफ़ी डिस्टर्ब होता है। हमारी जो नसें हैं इस तरह से उनमें ब्लड रुक जाता है कि बैक पेन होना शुरू हो जाता है। फिर यही कम उम्र में ही, मतलब 20 से 25 साल की उम्र में ही बैक पेन की शिकायत शुरू हो जाती है। तो भुजंगासन बैक पेन का एक रामबाण इलाज है। तो देखते हैं हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मैट के ऊपर उल्टा लेटना है, पेट के बल। देखेंगे, अपने चिन को मैट पर रखते हुए दोनों हाथों को अपने शोल्डर यानी कि कंधों के आसपास रखेंगे। पैरों को बिल्कुल बाहर, टोस को एकदम बाहर निकाल देंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। जितना आप ऊपर आ सके आप उतना ऊपर आए। पैरों को मिला के रखें और श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे आपको आना है। इसका दूसरा वेरिएशन मैं बताना चाहूंगी। आप इसको सरल, मतलब कि हाफ, सिर्फ इतना ही उठे, इतना भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूरा ऊपर ना उठा जाए तो इस आसन को इस तरह से भी किया जा सकता है। और फिर धीरे से नीचे। हमने भुजंगासन दो तरीके से किए, एक सरल और एक पूर्ण भुजंगासन। तो सरल भुजंगासन जो मैंने दूसरा वेरिएशन किया था उसमें बैक के पीछे वाले, मतलब ऊपरी वाले हिस्से पर आपको ज्यादा प्रेशर फील होता है, और पूर्ण भुजंगासन में आपको लोअर बैक पर ज्यादा प्रेशर फील होता है। ज्यादा बैक पेन हो तो इस आसन को थोड़ा अवॉइड करना है और आपको सरल भुजंगासन ही करना है, ध्यान रखेंगे इस बात का। और ये आसन आपकी बैक पेन के साथ साथ आपके पेट की चर्बी को भी कम करता है, आपके साइड्स की चर्बी को भी काफी कम करता है और आपको टोनअप रखता है। भुजंगासन करने के बाद मैं आपको एक आसन बताना चाहूंगी, वो इसका काउंटर पोज है, वो जरूर करना चाहिए आपको। आपको मैट पर सीधा लेटना है, दोनों पैरों को इस तरह से ढीला छोड़ देंगे। अब अपने दोनों पैरों को एक एक करके अंदर की ओर लाना है, एक बार राइट को और फिर धीरे से लेफ्ट को। अपने फिंगर्स को लॉक करते हुए अपने स्टमक को इस तरह से पुश करना है और आराम से लेटे रहना है। कुछ देर रुकने के बाद धीरे धीरे आसन को छोड़ना है, एक एक करके पैर को नीचे लाना। हम काउंटर पोज इसलिए करते हैं, जब आपने अपनी बैक को इस तरह से बेंड किया, मतलब आपने भुजंगासन किया, तो आपकी बैक, लो बैक की तरफ ज़्यादा स्ट्रेन आया, ज़्यादा प्रेशर आया। अब उस मसल को रिलैक्स करने के लिए हमने उस बैक को अपने सुप्त पवन मुक्त आसन में कर दिया, जिससे आपकी वहाँ के हिस्से में ज़्यादा प्रेशर होने से पेन भी कम होगा और मसल भी रिलैक्स होकर ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर पूरी बॉडी तक पहुँच सकेगा। अब हम बात करते हैं इसकी सावधानियों पर। सावधानियाँ क्या हैं? एक तो जिनको हर्निया है, पेट से रिलेटेड या ऑपरेशन हुआ है या कुछ भी ऐसी दिक्कत है, उनको ये आसन बहुत अवॉइड ही करना है, करना ही नहीं है। और जिनको बहुत ज़्यादा बैक पेन है उनको भी ये आसन अवॉइड करना है। ये आसन के फ़ायदे क्या है? ये आसन PCOD, जिनको PCOD है गर्ल्स को, उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। लो बैक, बैक पेन है उनको फ़ायदेमंद देता है। आपके लीवर के लिए और पैनक्रिया के लिए काफ़ी अच्छा आसन है और पेट की चर्बी को तो ये कम करता ही है। धन्यवाद।